नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीपीएससी उत्कर्ष। माय नेम इज पूजा द्विवेदी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन इंदौर इन मध्य प्रदेश एंड इंदौर इज गोइंग टू टेक द लीड। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। एक हमारा फर्स्ट मतलब मध्य प्रदेश का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क इंदौर सिटी में खुलने वाला है और इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि 10,000 पीपल विल बी एम्प्लॉयड हियर, प्लस रीजनल डेवलपमेंट भी होगा। जो लोग बेंगलुरु और बाकी सारे एरियाज जो कि आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे एस्टैब्लिश्ड एरिया है वहाँ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने, मध्य प्रदेश से अब उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में इंदौर में आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका पूरा नोडल एजेंसी बना है, मतलब यही ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहा है और अभी जहाँ पे आईटी पार्क एग्जिस्ट कर रहा है वहीं पे बिल्कुल रहेगा ये, ठीक है। एमपीआईडीसी टॉक कर बहुत सारी कंपनीज़ के साथ कॉन्वर्सेशन में है, हमारे इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, कि किस तरह से इसे कंक्रीट शेप दिया जाए। अगर हम बात करें लास्ट फ्यू ईयर्स की, सो रेनाउंड कंपनीज दे हैव स्टार्टेड वर्किंग रैपिडली इन द इंदौर सिटी। इंदौर सिटी बहुत जल्दी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। अभी फ्यूचर प्लान्स जो चल रहे हैं, अहिल्या नगरी एक और स्टेप ले रहा है इस यूथ के प्रमोशन में, यूथ फॉर आईसीटी के प्रमोशन में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इनके, इन्होंने कहा है कि रिसेंट मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी जिसमें बात हो रही थी आईटी प्रोफेशनल के साथ जो इंडिया और अब्रॉड से हैं कि आईटी सेक्टर में इसमें और बेटर क्या कर सकते हैं। बहुत सारे एनआरआई एंटरप्रेन्योर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर पार्क के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने इन अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल लाभ भी उठाया है। तब तक से प्रिपरेशंस चल रही हैं और विजन डॉक्यूमेंट्स 15 से 20 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरह से हमें प्रॉपरली इसको कार्यान्वयन करना है, इस चीज़ का किस तरह से इसको मूव फॉरवर्ड करना है। पर कुछ मंथ्स लग सकते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2025 में एग्जैक्टली शुरू होने वाला है। अभी स्मॉल कंपनीज एज वेल एज लार्जर कंपनीज लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट वो सेटअप कर रही हैं अभी इंदौर में, उसके बाद जब इन्हें स्पेस प्रॉपर मिल जाएगा तब जाके आगे चलेंगे। कंस्ट्रक्शन होगा पार्क्स का, स्टार्टअप्स भी इंक्रीज होंगे यहाँ पे और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बने हमारा। ऑफकोर्स इंडिया अपने पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में थर्ड रैंक पे है, तो इंडिया थर्ड रैंक पे है ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, और हम चाहते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ता चला जाए। स्टार्टअप क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे अच्छी चीज़ तो यही है। बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट रिलाइज ऑन इंडस्ट्रीज सच एज प्राइवेट इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप इंडस्ट्री। सो स्टार्टअप इको सिस्टम जैसे जैसे डेवलप होगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट जॉब क्रिएशन होंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे भी बर्डन हटेगा। 1,01,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड जो कि एग्जिस्टिंग आई टी पार्क 2 के पास है, AI पार्क एंड डेटा सेंटर के लिए। एक 19 से 20 स्टोरी की बिल्डिंग भी बनाई जाएगी, कमर्शियल फ्लोर होगा, खाने पीने के लिए फूड कोर्ट होगा, CCTV सर्विलांस लगेगा, स्ट्रीट लाइट, सोलर पैनल, बेसिकली एक प्रॉपर यहाँ पे आपको स्मार्ट टाउनशिप की तरह ही दिखने लगेगा। यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल से कहा है कि ज़्यादा वर्क अभी नहीं हुआ है कंट्री में। अगर हम बात करें पूरी कंट्री में आईटी पार्क्स, माफ़ कीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क्स लगाने की, बट मध्य प्रदेश इसमें अब लीड करने वाला है बहुत जल्द ही। यहाँ पे इंदौर को लीड लेनी पड़ेगी, ये भी कहा गया है कि कर्नाटक वगैरह में तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, कर्नाटका में भी काफ़ी अच्छी खासी लीड बनाई गई है, बट अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया की तो मध्य प्रदेश शुड टेक इट, और जिससे इंडिया में मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट भी आए अलग अलग कंट्रीज से, कंपनीज आएंगी इंदौर में और डेटा सेंटर्स भी खोलेंगी। उसके बाद अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। बेंगलुरु तो ऑलरेडी आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था ही, बट इससे हमें उम्मीद ये नहीं है कि एक ही जगह पे बहुत सेंट्रलाइजेशन हो जाए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ज़ीनोफोबिया कितना बढ़ रहा है। भले ही रीजनल इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम रीजनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो उसमें मध्य प्रदेश आगे जाने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको आर्ट पार्क कहा जाता है, ये बेंगलुरु में एस्टैब्लिश हुआ है। ये रोबोटिक्स इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज रोबोटिक्स में काम करेगा। इसके साथ सोसाइटल इंपैक्ट भी होगा, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इंडिया आगे जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, जब भी
आप कंप्यूटर को इस तरह से ट्रेन करें कि कंप्यूटर आपको पास्ट एनालिसिस करके एक बेटर इंटरेक्शन दे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मशीन लर्निंग का ही पार्ट होता है। यहाँ पे जो भी काम हम करते हैं, जैसे कि कॉलिंग, अलार्म सेट करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो आपको गूगल में मिल रही है, आईफोन में सिरी है, ये सारी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही पार्ट है। या आपका पैटर्न रीड करके आपको उसी तरह इंटरेक्ट करके बताती है। अभी कोई AI नहीं है जो कि बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ टास्क कर सके, बट अगर आप देख रहे हैं तो ChatGPT है जो स्क्रिप्ट राइट कर ले रहा है, साथ ही साथ मेटा का जो आप देख रहे हैं लामड़ा है, बार्ड है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंकर्स भी ले आए हैं। दूरदर्शन ने अभी आर्टिफिशियल डीडी किसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो एंकर्स लाए हैं। एक तो है क्रिश, इसका नाम है, मेल एंकर है, और एक है भूमि। ये डीडी किसान पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एंकर बनाए गए हैं, यानी कि ये 2400 घंटे काम करेंगे, 365 दिन डीडी किसान पे ये एंकर की तरह दिखेंगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और पार्ट है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या है कि जो भी आप डिसीजन ले वो रैशनल हो, लॉजिकल हो, और आप एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ करके भी डिसीजंस ले सकते हैं, जो एक्शंस बेस्ट हो एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। एक सबसेट जो AI का है वो मशीन लर्निंग है। डीप लर्निंग मतलब इस तरह से मशीन को डेटा देना, इस तरह से मशीन अपने आसपास की सराउंडिंग को समझती रहती है कि वो आपको एक बेटर आउटपुट देने की, एफिशिएंट आउटपुट देने की कोशिश करती है, जैसे एलेक्सा होती है, ठीक है। MPIDC जो है, यानी कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट की तरह काम कर रहा है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन के लिए सिंस 2004, ठीक है। और इसने एक ICT पार्क ऑलरेडी बनाया हुआ है सिंगल विंडो सिस्टम के लिए, जिससे इन्वेस्टर्स ईजिली ICT मॉडल बनाया है, मतलब पोर्टल बनाया है, अगर इन्वेस्टमेंट किसी को करना होता है तो सिंगल विंडो सिस्टम से वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लीजिए। वेयर विल बी द फर्स्ट AI पार्क ऑफ मध्य प्रदेश बी एस्टैब्लिश्ड? जल्दी मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेगमेंट, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद MPPSC उत्कर्ष, बिकॉज वी आर डूइंग अ लॉट व्हेन इट कम्स टू केटरिंग यू गाइज, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर अ सब्सक्राइबर टू UPSC उत्कर्ष इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो RAS उत्कर्ष इंग्लिश इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RAS in English. So thank you so much everyone. Stay updated.